करने वाले हैं गंगा रिवर के बारे में, एक ऐसी नदी जिसे बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, इस नदी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो नाइल है, लेकिन तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी गंगा है और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। भारत की सबसे चौड़ी नदी गंगा नहीं है, ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद सबसे चौड़ी नदी गंगा है। गंगा बनती कैसे है मैं आपको बताता हूँ। दो ग्लेशियर हैं, एक है संतोपत ग्लेशियर और एक है अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो उससे जो नदी बनती है उसको कहते हैं गंगोत्री, ठीक है। नहीं, गंगोत्री ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो उससे भगीरथी नदी बनती है, और जब संतोपत ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उससे अलकनंदा नदी बनती है। ये दोनों नदी जो है, देवप्रयाग एक स्थान है हरिद्वार में हिमाचल प्रदेश में, वहां पे ये मिलती है और यहाँ पे गंगा का जन्म होता है। पूरे हिंदुस्तान में गंगा को गंगा नाम से ही पुकारा जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में कोलकाता में जाके इसे हुगली कहा जाता है, और जब ये एंटर करती है बांग्लादेश में तब इसे पद्मा नाम से पुकारा जाता है। गंगा नदी दो देशों में बहती है, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। गंगा नदी की जो गहराई है, मैक्सिमम गहराई 30 मीटर है। गंगा नदी में दो प्रकार के स्पेशल एनिमल्स पाए जाते हैं, गंगा डॉल्फिन और गंगा शार्क, और दोनों ही एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। तो इन्हें सेव करना, इन्हें प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1887 के आसपास एक साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है वो केवल 3 घंटे ही गंगा के पानी में रह सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गंगा के पानी से हम कॉलेरा को भी ठीक कर सकते हैं, या गंगा का पानी जो कंज्यूम करते हैं उन्हें कॉलेरा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने शोध से हमें ये बताया कि गंगा का पानी 10 साल बाद तक पीने योग्य रहता है। 10 साल बाद भी आप उसे पीने की अवस्था में रहता है, आप उसे पी सकते हैं। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पानी सड़ता नहीं है। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसको सबसे ज्यादा पूज्य माना जाता है। मैं जब बनारस में था, अपनी एमएससी कर रहा था, तो वहां से जब मैं गंगा का पानी ला रहा था तो मैंने गलती से उसे नीचे रख दिया था। तो एक सज्जन ने मुझे कहा कि आप इसे नीचे मत रखिए, मैं हट जाता हूँ, आप मेरी जगह मेरी सीट पे इसको रख दीजिए। गंगा के पानी को नीचे नहीं रखा जाता है, इतनी ज्यादा धार्मिक भावनाएं हमारी उससे जुड़ी हुई है। हिंदुओं में जब भी कोई मरता है तो उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है। खैर, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, लेकिन गंगा को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि गंगा जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कहाँ पे रहती है। गंगा की सबसे प्योरेस्ट और सबसे ठंडा जल जो पाया जाएगा वो पाया जाता है आपके ऋषिकेश में, और उसके बाद अलग अलग शहरों से गुजरती है। बनारस में ये बहुत ज्यादा गंदी और गुथली हो जाती है। लगभग 30 बड़े शहर और 70 टाउन और 1000 विलेज इसके बैंक पे स्थित हैं। लगभग 40 मिलियन लोग गंगा पे निर्भर हैं अपने आजीविका कमाने के लिए। तो गंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, और इसको बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा हमारी गवर्नमेंट ने कई कदम भी उठाए हैं, लेकिन वो प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। सबसे अहम बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता है। तो इसके दो रीजन है, एक रीजन मैं आपको बताता हूँ और एक रीजन आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। पहला रीजन ये है, गंगा का पानी नहीं सड़ता है क्योंकि गंगा के पानी में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। इसको बैक्टीरिया मत समझना, बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस गंगा के पानी में पाया जाता है और ये सारे वायरस को खा जाता है। इस वजह से गंगा का पानी जो है, बैक्टीरिया उसमें पॉल्यूशन नहीं कर सकता, पॉल्यूट नहीं कर सकता उसको, इस वजह से गंगा का पानी साफ रहता है। दूसरा रीजन क्या है गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो और मैं आपके लिए बना सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।